Nice. ये हैप्पी तिहार, हैप्पी तिहार, और ये झिल्ली मिली। और यहाँ लड़ाई होगी भाई। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज है दिवाली और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम कहीं गए हुए थे और अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही, और ना धो के रेडी होकर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों, 7 दिन का हमारा टूर था, हम बाहर गए हुए थे, हिमालय ABC अन्नपूर्णा बेस कैंप गए हुए थे ट्रैकिंग के लिए, और उसके बाद हम पोखरा चले गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय वॉय किया और ट्रैकिंग मज़े किए। तो उसका ही ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। और इस वीडियो में आपको मैं नेपाल का त्यौहार दिखाऊंगा। इंडिया में जैसे दिवाली कहते हैं, यहाँ पर त्यौहार कहते हैं दिवाली को नेपाल में, वो ये त्यौहार का ब्लॉग होने वाला है। तो भाई मैं आपको नेपाल का कल्चर दिखाऊंगा, कैसे क्या क्या होता है। और हमारे गाँव में एक इवेंट भी हो रहा है, वहाँ पर भी चलेंगे। और यहाँ पर भैलो खेलते हैं त्यौहार में, जो नाच गाना करते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। वो सब दिखाऊंगा आपको मैं। आपको नीचे का सीन अपने घर भर का और मंदिर वंदिर कैसे डेकोरेट किया है, रंगोली। तो चलते नीचे, आइए। तो ये आ गए हम नीचे की साइड, और ये मंदिर, ये बा माईजू, और अभी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है यहाँ। ये नानी बैठी हुई है अंदर, तैयारी हो रही है। और ये रंगोली, और ये लक्ष्मी के पैर बनाए हमारी बहन ने। ये नाइस। और ये रंगोली भी बनाई है। हाँ, इसमें थोड़ा सा भाई मेरा भी योगदान है, थोड़ा सा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और ये अपने घर के डेकोरेशन, लाइटिंग फाइटिंग, जैसे हम इसको लड़ी कहते हैं ना इंडिया में, तो यहाँ पर इसको झिली मिली कहते हैं ना, झिली मिली कहते हैं। और कितनी मस्त लग रही है ये मंदिर भी, और घर भी, और मैं भी। और एक ये अंदर भी बनी है रंगोली। पूजा कितने बजे होगी? पूजा अब होगी, कितने बजे शुरू होने वाली है? अब थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगी। और ये अपना सवीन फोन में बिजी, कहाँ चल रहे हैं फिर अभी? अब तो हम कहीं चलने की एनर्जी नहीं है हमारे पास। थक गया क्या? क्या हो गया, थक कैसे गए? हाँ भाई, थक कैसे गए, क्या हो गया भाई? अभी हम हिमालय से आए हुए हैं। तो जो बताया था ना आपको मैंने, 7 दिन की हमारी ट्रिप थी, जो ट्रैकिंग करके आए थे हम, तो हिमालय में हम नॉन स्टॉप चले थे, एक दिन में 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर चले थे। और वो भी ऐसे सीधा रोड नहीं था, पहाड़ों में चले थे, बहुत ही हालत ख़राब हुई थी। 7 दिन ऐसे पैर दुख रहे थे ना, अभी भी पैर दुख रहे हैं हमारे, अब जाके फील हो रहा है थोड़ा। आज तक तो चल लिए पूरा पैदल पैदल हिमालय में। और यार ये इस दिवाली हम बम बम नहीं ला पाए क्योंकि अभी हम आए हैं, और बम लाने के लिए हमें 2 घंटे दूर जाना पड़ेगा कहीं, और फिर 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 4 घंटे ख़राब, तो मतलब हो ही नहीं सकता वो। अभी फ़िलहाल ऐसी ग्रीन दिवाली बनाएंगे, छोटे मोटे बम फोड़ के। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारे गांव के इवेंट में जो हो रहा है, तो दिखाते हैं आपको हमारे गांव का इवेंट, भाईलो जो भी होगा सब दिखाते। तो चलते हैं, चलो। और ये तैयारी हो रही है पूजा पाठ की। नामा अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ते निकल गया अपना जहाज। तो ये पहुंच गए भाई हम। अभी घर पे पूजा होने वाली है तो घर वापस आ गए हम। और ये देखो भाई लोग खेलने आए यहाँ पर, ये तो ऐसे ही खेलते हैं भाई लोग, छोटा सा ये छोटे हैं बच्चे, ये भी खेलते हैं, और बड़े वाले भाई लोग और खतरनाक होते हैं, वो हम खेलेंगे। ये मामा,
A few inches later. और ये हो रही है तैयारी। तो भाई पूजा करने का अब समय हो चुका है। चलो चलो अब उठा लो इसे। तो ये अब दिए लगाए जा रहे हैं, मैं भी लगा देता हूँ थोड़े बहुत। तो अब ये पीछे के दरवाजे पे लगाएंगे, एक यहाँ एक वहाँ। तो अब ये जा रहे हैं बाहर की साइड, हम ये रखने गेट की साइड भी रखना है। हाँ बाहर अपने गेट पे। तो बाहर की साइड भी लगा दी हमने और अब पूरे घर में लग चुके ऑलमोस्ट। तो दिया मोमबत्ती लगा दी, अब थोड़े बम फोड़ते हैं। थोड़े बहुत हम पे बम पड़े हैं, एक आलू बम है, छोटे मोटे बम है, ज़्यादा बड़े बम तो नहीं है क्योंकि हम ला नहीं पाए। तो भाई ये थोड़े बहुत बम लाए हम, हाँ ये हमें अपने गांव में मिल गए। और जो उससे ख़तरनाक बम लाने थे तो वो हमें कहीं और जाके मिलते हैं, मगर हम इसी से काम चला लेंगे अभी, कल जाके लेकर आएंगे। ठीक है चलो यही फोड़ते हैं हम। चलो भाई हम यूट्यूबर फोट रहे भाई फोट। तो मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ एक बार कैसे डेकोरेट हुआ है। तो अब बगल वाले घर में चलते हैं, मेरे नाना के भाई का घर है साइड में। चार भाई हैं नाना के और चारों भाई का एक साथ घर है, एक दो तीन और इसके साथ पीछे एक। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, यहाँ का भी दिखाते हैं। हैप्पी तिहार, हैप्पी तिहार, हैप्पी दिवाली। चलते हैं वो दूसरे वाले घर पे। तो मेरे नाना के चार भाई हैं, तो वो साहिलाबा, ये अपने नाना का घर, ये कंचाबा और वो जेठा माइलाबा। माइलाबा तो माइलाबा के यहाँ चलते हैं अब। दो चारों घर एक ही साथ है, चारों भाई का। तो भाई माइलाबा और कंचाबा का मैं बता देता हूँ क्या हिसाब है। जैसे कि जो कंचाबा है वो सबसे छोटे वाले हैं, फिर साहिला साहिलाबा है, वो उनसे थोड़े बड़े हैं माइला, हाँ फिर माइला, फिर सबसे वो सबसे बड़े हैं, और सबसे बड़े हैं जेठाबा, जेठाबा हाँ वो सबसे बड़े, ठीक है सबसे बड़े, हाँ तो ये वाले सबसे बड़े हैं। ये है भाई उनका। हाँ भाई नाइस। और ये राहुल, राहुल रहता है यहाँ पे, ये मेरा घर है, मैंने नहीं बनाया। और ये इसका भाई है, छोटा भाई। और ये हमारे मामा जी आ गए, मामा हाँ इंडियन आर्मी रिटायर हो गए हैं। ये तो भाई अब मैं साहिलाबा का घर दिखाता हूँ आपको, वो हमारे घर से थोड़ा पीछे है।
तो ये है साहिल बाबा का घर। ये गाय भैंस यहाँ पे, इनका ट्रैक्टर, ये साहिल यामा। हम भी चलते हैं अब, चलो। तो गाइस अब हम भी चलते हैं बड़गांव, वहाँ पे हम भी देखे थोड़े इवेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं, वही लोग हो रहे हैं, डांस हो रहा है, और काफ़ी रैपर भाई आए हैं, रैपर रॉक स्टार, काफ़ी चीज़ें हो रही है, और अपना एक खास भाई है साहिल अरियल। हाँ तो चलते हैं, पैसे बट रहे हैं और मुझे भी मिल गए। चले भाई अब। तो शायद यहाँ लड़ाई हो गई है और सब बंद हो रहा है अब, पुलिस वाले सब बंद करवा रहे हैं अब, तो हम भी चलते हैं अब घर अपने। तो पहुँच गए घर अपने, तो अब घर पे परफॉर्मेंस चल रही है। अरे बाप रे, हैप्पी न्यू ईयर।